नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके जीवन में जो पैसा है क्या वो वृद्धावस्था तक आपके पास कायम रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली ये हमारी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक क्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक लेके जाते हैं, कितना विचार हमारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी बात को कितने इमोशनल प्यार तक समझते हैं या किसी के दिल के बारे में कितना समझते हैं उसके बारे में बताती है। हमने बात किया सबसे पहले कि क्या आपके वृद्धावस्था तक आपके पास पैसा रहे, तो उस वीडियो को देखें। सबसे पहले भाग रेखा ही हमारी हस्त रेखा में एक कामयाबी की तरफ लेके जाने वाली, बुलंदियों की तरफ लेके जाने वाली एक रेखा होती है, जिसका अधिकार शनि देव को है। शनि देव के या शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली भाग रेखा, कहीं से भी चले भाग रेखा, शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली भाग रेखा ही हमारी भाग रेखा होती है। भाग रेखा के कई एक एक प्रोस्पेक्ट होती है कि भाग रेखा आपकी कहां से किस एज में निकल रही है और किस क्षेत्र में वो रेखा आपके उद्गम की तरफ लेके जा रही है, आपके बिजनेस की तरफ लेके जा रही है, किस क्षेत्र में आपको सफलता दिला रही है। अब ये भाग की रेखा शनि के पर्वत पर पहुंचने का मतलब आपका भाग प्रबल है, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने काम को लेकर बढ़ेंगे, आपको किसी का बहुत ज्यादा सहारा नहीं होगा, खुद के इंडिपेंडेंट लाइफ पे आपको मेहनत करके आप जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। अब ये भाग रेखा किस एज पे क्या फल दे रही है, अब ये भाग रेखा ये 35 की एज है, ये जो आपकी एज है 35 की एज तक अगर प्रॉपर भाग रेखा है तो आप 35 एज तक कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के साथ ये हमारी हृदय रेखा है, अब इसके बीच का जो गैप है ना 35, इसको हम प्लस करते हैं 51 का एज लेते हैं। अब ये 51 का एज है, अब ये जिंदगी में आप तो ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं लेकिन जो लास्ट का समय होता है इंसान मजबूरी में आ जाता है, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, वो कैसे दिखता है कि आपके हाथ में आपको लास्ट तक पैसा मिलेगा। अब ये शनि की जो रेखा है जिसको हम भाग रेखा कहते हैं, इसी के पर्वत से निकली हुई दो तीन रेखाएं आपको इंडिकेशन दे रही हैं, आपको इशारा कर रही है कि आपके पास लास्ट समय तक आपके पास पैसे की जो है प्रोग्रेस बनी रहेगी, आपके पैसे आने का संकेत बना रहेगा, किसी भी माध्यम से किसी भी कार्यों को करके आप पैसे की अधिकता आपके पास आती रहेगी और आखिरी समय तक। अब ये भाग रेखा कहीं से भी हो सकती है, किसी भी बिजनेस को लेके आप काम करेंगे या कोई आपका ऐसा व्यवसाय है उसके माध्यम से आपको पैसा आएगा, वो इस चीज के बारे में दर्शा रहा है। जब भी हमारी ये भाग रेखा केतु के पर्वत से निकलकर शनि के पर्वत तक पहुंचती है तो ये आपके भाग के उज्ज्वलता के बारे में बताती है, आपकी प्रोग्रेस के बारे में बताती है। आपका जो भाग है ना, आप अपनी मेहनत के आधार पे, शनि है न्यायाधीश है, आपके भाग में प्रगति करते हैं, उन्नत भी करते हैं, लेकिन सच और ईमानदारी का किया हुआ पैसा आपके जिंदगी में कभी कमी नहीं लाते हैं। और यहां से जिंदगी में जो ज्यादा ऐसे लोग बढ़ते हैं व्यापार के माध्यम से बढ़ते हैं।
और यहां से जैसे कई बार प्रोग्रेस होती है इंसान को, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अपना बिजनेस करके अपने बिजनेस की क्षेत्र से सफलता पाता है या नौकरी के क्षेत्र से सफलता पाता है और जिंदगी में सुख भी कमाता है, पैसे भी कमाता है। अब जैसे हमारे ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, हमारे सुख सौंदर्य के बारे में बताता है कि हमारा जो लाइफ है कितना सुखमय है, कितना हम जिंदगी में वो आनंद उठाएंगे, सारे वैवाहिक सुखों के बारे में। अब ये हमारा जो गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत एक ज्ञान का और एक विस्तार का ग्रह माना जाता है। जिंदगी में आपको ज्ञान है, आप अपने ज्ञान के माध्यम से एक नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, एक लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का जो संबंध होता है ना बड़े लोगों के साथ करता है। अगर इसी गुरु पर्वत के ऊपर जीवन रेखाएं एक ऊर्ध्वमुखी रेखा निकलती हो, आपके भाग में चार चांद लगा देती है, जिसको बोलते हैं कि आपकी तरक्की रेखा है, आपकी विकास की रेखा है, आपकी प्रोग्रेस की रेखा है। एक रेखा आपके स्थिर बनाए रखती है आपके कामकाज को, वो पीछे नीचे कभी गिरने नहीं देती है, स्थिरता कायम रखती है। जिंदगी में हर वो तरक्की मिलती है जिस भी क्षेत्र पे हो, अगर ये आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आपको तरक्की दिला रही है। और इसी के साथ एक प्रोग्रेस रेखा और हमारे इस गुरु के पर्वत की तरफ निकल के जा रही है, संकेत दे रही है एक के बाद एक तरक्की आप जीवन में हर ऊंचाई हासिल करेंगे। और यहां पर अगर एक त्रिकोण बन जाता है, तरक्कियों के साथ आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे और उसमें भी तरक्कियां, ये तरक्कियां हैं आपकी जिंदगी में होने वाली। ये जो जिंदगी की हर तरक्कियों के बारे में बताता है, एक आपके ग्रोथ के बारे में बताता है, आपका भाग्य कितना प्रबल है। हमारी इस जीवन रेखा से निकली हुई रेखाएं हमारे उद्गम, हमारे प्रोग्रेस इस रेखाओं का आकलन बताता है। जिंदगी में हस्त रेखा में एक बहुत बड़ा ग्रह विस्तार का माना जाता है, जीवन की वो जीवन से निकली हुई उद्गम रेखाएं आपके प्रोग्रेस और आपकी तरक्की के बारे में बता देती है। और इसी के साथ नेम फेम आपको कब मिलता है, जीवन रेखा से प्रोग्रेस रेखा आपकी तरक्की, लेकिन आप मान सम्मान का प्राप्त करेंगे ये हमारी सूर्य रेखा बताती है। सूर्य हमारा एक माइंड है, एक विकास है, एक प्रोग्रेस है। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितनी ऊंचे स्तर तक उठते हैं, ये हमारा दिमाग बताता है, ये हमारी सूर्य की पर्वत बताती है, सूर्य पे बनी हुई ये रेखा बताती है। जितनी बड़ी सूर्य की रेखा है उतनी बड़ी आपको सफलता दिलाती है, आपके मान और सम्मान में वृद्धि करती है, आपको यश दिलाती है, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बना देती है, बड़े लोग आपकी हेल्प करेंगे और खुद ऐसे लोग जिंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल करते हैं जिसकी सूर्य की रेखा बड़ी है और ये सूर्य के पर्वत भी उठे होने चाहिए। आपको सरकार की तरफ से श्रेष्ठ सफलता दिलाती है सूर्य की रेखा। जितनी बड़ी रेखा उतनी बड़ी पदोन्नत, जितनी छोटी ही रेखा क्यों ना हो जिंदगी में ये भी आपका मान सम्मान दिला देती है। अब बोली वाणी ये भी मायने रखती है कि जिंदगी में आप तो हर चीजें हासिल करेंगे, लेकिन क्या आपकी बोली वाणी भी मधुर होनी चाहिए ना, उसके लिए भी हमारी बुध की फिंगर है। बुध का ये पर्वत इस चीज के बारे में दर्शाता है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, आप किसी के साथ कितना व्यवहार आपका अच्छा है उसके बारे में बुध की एक्टिविटी बताती है। आपका व्यवहार अच्छा है, आपका बिजनेस चमकेगा, आपके बोली बाड़ी अच्छी है तो आप एक दूसरे को जोड़ के रख लेंगे। ये बुध के पर्वत पे, अगर ये बुध का पर्वत उठा हुआ है तो आप जिंदगी में आप अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध के बारे में बताता है कि आपकी बोली वाणी जो है ना मधुर है, एक मिठास है आपकी बोली वाणी में। और इसके ऊपर खड़ी लाइनें
या आपके बिजनेस को चार चांद लगाने का काम करती है। ऐसे लोग अपार सफलता पाते हैं। और ये चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा एक मन है हमारा। हम किसी चीज को कितना गहराइयों तक सोचते हैं, हमारा मन कितना खुश है, हम कितने अच्छे हमारी बोली बाणी है उसके बारे में बताते हैं। अगर आप खुश है जिंदगी में, वो सारी चीजें आपको हासिल हो जाएंगी। जिसका मन मजबूत है उसको हर सफलता मिल जाती है, जिंदगी में वो चीजें सोचता उसको हासिल भी कर लेता है। खुशियां ही अपार सफलता, जो हमारा मन है खुशियों का प्रतीक माना जाता है। हम कष्ट से कष्ट को दूर कर सकते हैं अपने मन की सोच और समझ से, अपने सोच और समझ से अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मन हमारा प्रसन्न है तो, ये पर्वत उठा हुआ है तो आपका मन प्रसन्न है, आपका खुश है, हर जिंदगी में चाहे बिजनेस करके वो जिंदगी में तरक्की पा रहे हो, चाहे ये सरकार की क्षेत्र में तरक्की पा रहे हो, उसके लिए मन हमारा मजबूत होना चाहिए। तभी आपको हर चीजें सुख में मिलेगी, तभी आपका मन खुश रहेगा। जब ये मन का, ये हमारा जो मून का माउंट है, उन्नत का है, विकसित है, तो वो हर सफलताएं आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और ये आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।